कैमरा ले लेंगे, फिर ऐसे नोट बना लेंगे और ऐसे करके हम ऐसे ऐसे देखिए पहले हम 18 की चैन लेंगे, वहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 की चैन ले ली। फिर इसको हम ऐसे पहले की तरह पलट लेंगे। ये मेरे 5 नंबर की कान्हा जी की चोली है। पहले एक हुक में से उठा के एक में से हम दो बार, एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया, इसी में से दो बार लेंगे, दो बार डबल क्रोशिया, सेकंड वाले में एक बार डबल क्रोशिया, फिर इसी में से एक में से दो बार डबल क्रोशिया ले लेंगे, एक में से एक बार डबल क्रोशिया, फिर इसी में से दूसरी बार डबल क्रोशिया, फिर एक में से एक बार डबल क्रोशिया, फिर इसी में से 36 डबल क्रोशिया करने हैं। हर एक कुंडे में से एक में से एक एक में से दो दो बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक में से दो दो बार डबल क्रोशिया करेंगे, हर एक में से दो दो बार। देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब इसमें से भी मैं एक में से दो बार डबल क्रोशिया करूँगी, फिर इसी में से एक में से दो बार डबल क्रोशिया, फिर इसको ऐसे खींच लेंगे, इसको हम पलट लेंगे, 3 की चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चैन बनाने के बाद जो हमारी धागा था इसको ऐसे ले लेंगे, ऐसे उठा के हुक डाल के एक डबल क्रोशिया, फिर इसी के ऊपर हमने दो बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए ये दो बार डबल क्रोशिया हो गया, फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसमें अब हमें सब में नहीं बढ़ाना, हमारे 36 डबल क्रोशिया थे, हमें 36 के 42 डबल क्रोशिया करने हैं, इसलिए हमने एक यहाँ पे बढ़ा दिया, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, 6 बार डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया कर लिया, फिर 8 डबल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया। 9 डबल क्रोशिया करने के बाद इसी के ऊपर हमें एक बार डबल क्रोशिया बढ़ा देंगे, इसमें इसी में से एक बार डबल क्रोशिया लेंगे, इसमें हमने एक बार डबल क्रोशिया ले लिया अपना, ये देखिए ठीक है। अब हमारे 36 के 36 के ऊपर हमने 38 हो गए, 36 के 38 हमें टोटल कितने बढ़ाने, 8 डबल क्रोशिया हमें बढ़ाना है यहाँ पे, ठीक है। 36 से हमने एक यहाँ पे बढ़ा दिया था, एक यहाँ पे बढ़ा दिया था, कहीं पे भी करके हमें 8 बार डबल क्रोशिया बढ़ाना है हमें, ये देखिए कहीं पे भी करके हमें 42 डबल क्रोशिया करने हैं। आप कहीं पे भी बढ़ा सकते हैं, बस इकट्ठे मत बढ़ा दीजिएगा, कहीं पे भी आप चाहे 4-5 गैप करके जब बढ़ा लो, चाहे 7-8 बढ़ा लो, एक एक पहले में और एक आखिरी में जरूर बढ़ाना है, और बीच में आप कहीं पे भी बढ़ा सकते हैं इसको। ऐसे करके हम अपनी सेकंड लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरा टोटल 42 डबल क्रोशिया आ गए हैं। अब फिर हम ठीक ही चल लेंगे, 1 2 3 ठीक ही चल ले ली हमने, फिर इसमें से एक बार डबल क्रोशिया, फिर इसी में से दो बार डबल क्रोशिया, फिर इसमें से एक बार डबल क्रोशिया, ऐसे करके हम अपनी थर्ड लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें हमें ना ही बढ़ाना है और ना ही घटाना है, हमें ऐसी टेस यू की हुई 42 के ऊपर 42 बार डबल क्रोशिया करके अपनी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये होगी हमारा, 3 रो कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक है। ये हमारी कुछ ऐसे आएगी। यहाँ पे हमने पहले 16 की चैन ली, 18 की चैन ली, 18 के बाद हमने 18 की चैन लेने के बाद हर में से एक में से दो दो बार डबल क्रोशिया लिया, फर्स्ट लाइन कंप्लीट करी। सेकंड लाइन में हमने 36 के हमें 42 डबल क्रोशिया करे सेकंड रो में, थर्ड रो में हमने सेम के ऊपर सेम करा है, 42 के ऊपर 42 डबल क्रोशिया करे हैं।
आइए अब इसे हम चोली की तरह बनाते हैं इसको। देखिए 1, 2, 3। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हमें 7 6 42, ठीक है। मैं इसको 6 भागों में करेंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और साथ ही हम बीच में छोड़ेंगे बाजू के लिए। पहले हम मैं आपको 7 लेके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार डबल क्रोशिया कर ली मैंने, 2 की चैन लेंगे, 1 2, 2 की चैन ले ली, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें वाले में हुक डालेंगे और यहाँ से उठा के एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया, 7 दुनी 14, हमें यहाँ पे करना है 14 बार डबल क्रोशिया। हमने इसको चोली के लिए हमने 6 भागों में करा है, ठीक है। 7 6 42, 7 यहाँ पे करा, 7 बीच में छोड़ेंगे, 7 दुनी 14, 14 बीच में लेंगे, फिर 7 यहाँ छोड़ेंगे बाजू के लिए, फिर फ्रंट के लिए 7 लेंगे, ठीक है। 7 6 42, 7 भागों में हो गया हमारा। देखिए कितने हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 6 7 बार डबल क्रोशिया, 8 बार डबल क्रोशिया, 9 बार डबल क्रोशिया, 10 बार डबल क्रोशिया, 11 डबल क्रोशिया, 12 बार डबल क्रोशिया, 13 डबल क्रोशिया, 14, 7 दुनी 14, ठीक है। फिर से 2 की चैन लेंगे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 2 की चैन ले ली, 1 2, 2 की चैन लेने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाले में ऐसे डालेंगे को डालेंगे और एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ऐसे निकालेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया। पहले इससे पहले मैंने आपको अपने एक नंबर की और 2 से 3 नंबर की कान्हा जी की चोली और 5 नंबर की चोली दिखा रखी है। आज मैं आपको 5 नंबर की चोली के साथ विद घेरे की ड्रेस बनाने जा रही हूँ, ठीक है। पहले चोली चोली करी थी, अब चोली के साथ मैं घेरे के साथ आपको ड्रेस बनाने सिखा रही हूँ, 2 रंग में। अब ऐसे करके ये हो गया मेरा, अब देखिए चोली बन गई, 7 और 7 दूरी 14, 14 14 28, 28 के ऊपर हमें 28 बार डबल क्रोशिया करना है। सेकंड लाइन कंप्लीट कर लेंगे, 1 2 3 लाइन हमने ऊपर करी है तो 3 लाइन नीचे होगी, 1 लाइन ही होगी, 2 लाइन होगी तीसरी लाइन। मैं आपको 3 लाइन कंप्लीट करके चोली पूरी करके दिखाती हूँ आपको। अब इसे हम चोली की तरह बनाते हैं इसको, देखिए 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हमें 7 6 42, ठीक है। मैं इसको 6 भागों में करेंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और साथ ही हम बीच में छोड़ेंगे बाजू के लिए। पहले हम मैं आपको 7 लेके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार डबल क्रोशिया कर ली मैंने, 2 की चैन लेंगे, 1 2, 2 की चैन ले ली,
एक दो तीन चार पाँच छः सात, सातवें वाले में हुक डालेंगे और यहाँ से उठा के एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। एक डबल क्रोशिया, दो बार डबल क्रोशिया, तीन बार डबल क्रोशिया, सात दुनी चौदह, हमें यहाँ पे करना है चौदह बार डबल क्रोशिया। हमने इसको चोली के लिए हमने छः भागों में करा है, ठीक है। सात छः बयालीस, सात यहाँ पे करा, सात में बीच में छोड़ेंगे, सात दुनी चौदह, चौदह बीच में लेंगे, फिर सात यहाँ छोड़ेंगे बाजू के लिए, फिर फ्रंट के लिए सात लेंगे, ठीक है। सात छः बयालीस सात भागों में हो गया हमारा, देखिए कितने हो गए थे, वहाँ एक दो तीन चार पाँच छः, छः सात बार डबल क्रोशिया, आठ बार डबल क्रोशिया, नौ बार डबल क्रोशिया, दस बार डबल क्रोशिया, ग्यारह डबल क्रोशिया, बारह बार डबल क्रोशिया, तेरह डबल क्रोशिया, चौदह, सात दुनी चौदह, ठीक है। फिर से दो की चैन लेंगे, देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। दो की चैन ले ली, एक दो, दो की चैन लेने के बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात वाले में ऐसे डालेंगे, को डालेंगे और एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ऐसे निकालेंगे। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया, छह डबल क्रोशिया, सात डबल क्रोशिया। मैं आपको पांच नंबर की चोली के साथ विद घेरे की ड्रेस बनाने जा रही हूँ, ठीक है। पहले चोली चोली करी थी, अब चोली के साथ मैं घेरे के साथ आपको ड्रेस बनाने सिखा रही हूँ दो रंग में। अब ऐसे करके ये हो गया मेरा, अब देखिए चोली बन गई, ठीक है। मेरी चोली कुछ ऐसे बन गई है। अब मैं आपको इसके आगे का दिखाती हूँ। घेरा स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम ऐसे कुंडा उठाएंगे, कुंडा उठाने के बाद हमें ये देखिए इसको ऐसे यहाँ से उठा के ऐसे ऐसे उठा के ऐसे उठा के यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे टाइट करके। एक एक बार स्लिप स्टिच हो गया, कुंडा उठाएंगे, ये देखिए एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, फिर अगले में एक बार डबल क्रोशिया एक ही हुक में से। ये मैं कान्हा जी के साथ चोली के साथ आपको ड्रेस बनाना सिखा रही, पूरे घेरे के साथ जो दो रंग से बनाइए, एक में से दो बार डबल क्रोशिया, हर कुंडे में से हम एक में से दो दो बार डबल क्रोशिया करेंगे घेरे के लिए। हर कुंडे में से एक में से दो दो बार डबल क्रोशिया करेंगे, हर एक में से दो दो बार डबल क्रोशिया। देखिए ऐसे करके मेरा फर्स्ट लाइन भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए मेरा कुछ घेरा ऐसे बना हुआ है ना इसमें। अब मैं अपने सेकंड लाइन कंप्लीट करती हूँ। देखिए ऐसे कुंडा लेंगे, वन टू थ्री कुंडा, ये देखिए ऐसे उठा के सेकंड लाइन के लिए हमें एक दो इसी के ऊपर लेंगे एक बार, और एक में से दो बार डबल क्रोशिया, फिर इसमें अगली में से एक बार डबल क्रोशिया, फिर दूसरी में एक में से एक बार डबल क्रोशिया, फिर सेकंड वाले में से दो बार डबल क्रोशिया, एक में से दो बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर आगे वाले में जाएंगे, एक में से एक बार डबल क्रोशिया, दूसरी वाली में एक में से एक बार डबल क्रोशिया, इसी में से एक बार डबल क्रोशिया। ये देखिए मेरी सेकंड लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं थर्ड लाइन पे आ गई हूँ। थर्ड लाइन पे आके ये देखिए
एक पर डबल क्रोशिया, दो, तीन, तीन की चैन बनाई, हुक लिया, यहाँ पे ऐसे मिला के एक में से दो बार डबल क्रोशिया, फिर इसमें से एक बार डबल क्रोशिया लेंगे, फिर इसमें से एक बार डबल क्रोशिया, इसमें से दो बार डबल क्रोशिया। पहले हमने हर कुंडे में से उठा के अपना दूसरा धागा चेंज कर लगा लेंगे। ये देखिए, तो ऐसे हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करा, नीचे वाले धागे को हम ऐसे खींच लेंगे। ये देखिए, वन, दो, तीन, तीन की चैन बनाई, इसको नीचे वाले नीले वाले धागे को हम ऐसे खींचेंगे। ये देखिए, फाइव बार डबल क्रोशिया, एक, एक बार डबल क्रोशिया, दो बार डबल क्रोशिया, तीन बार डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया। फिर हम दो की चैन लेंगे, एक, दो, दो की चैन लेने के बाद हमें क्या करना है, ये देखो, एक को छोड़ देंगे, एक को छोड़ के सेकेंड दूसरी वाली में, फिर इसमें से एक में से एक बार डबल क्रोशिया, आगे वाली में से एक बार डबल क्रोशिया, फिर आगे में एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक बार डबल क्रोशिया, पांच बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक, दो, चार, पांच, पांच बार डबल क्रोशिया हो गया। फिर दो की चैन लेंगे, एक, दो, दो की चैन लेने के बाद फिर ऐसे एक स्किप करेंगे दूसरे वाले में, एक में से एक बार डबल क्रोशिया, दूसरे में से एक में से एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक बार पांच बार डबल क्रोशिया करेंगे हर रुक में, चार, पांच, पांच बार डबल क्रोशिया हो गया। फिर दो की चैन, एक, दो, ये देखिए कुछ मेरा राउंड ऐसे आएगा भी है। ये देखिए, फोर्थ वाली लाइन में पांच बार डबल क्रोशिया करा, तीन की चैन लेके, फिर दो, दो की चैन ली, एक बीच में स्किप करा, फिर एक स्किप करने, फिर पांच बार डबल क्रोशिया करा, फिर दो की चैन, फिर पांच बार डबल क्रोशिया करके ऐसी लाइन कंप्लीट करेंगे, चार डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया, ठीक है, दो की चैन। अब देखिए, यहाँ सिक्स डबल क्रोशिया कर लेंगे हम। ये देखिए, सिक्स बार डबल क्रोशिया कर लिया, दो की चैन, वन, टू। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमने तीन की चैन ली थी यहाँ पे, उसको तो मिला के ऐसे करके ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे, ठीक है। हमें अब हम चालू करेंगे, यहाँ पे हम तीन की चैन लेंगे, धागा चेंज करेंगे अपना, वन, टू, थ्री, थ्री की चैन ली हमने, इसको टाइट कर लेंगे हम धागे को। ये देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इधर करके एक में से सात बार डबल क्रोशिया करना है, एक, फिर इसी में से दो, फिर इसी में से हम तीन बार डबल क्रोशिया, इसी में से चार बार डबल क्रोशिया, फिर इसी में से पांच बार डबल क्रोशिया, छह डबल क्रोशिया, सात डबल क्रोशिया करने के बाद दो की चैन लेंगे, एक, दो, ठीक है। फिर यहाँ पे जो हमने चैन ली थी दो की, इसमें दो को निकालेंगे, एक में से दो बार डबल क्रोशिया, इसी में से दो बार डबल क्रोशिया, फिर इसी में से डबल क्रोशिया, इसमें से डबल क्रोशिया कर करके सात बार डबल क्रोशिया करेंगे, पाँच, छः, सात, सात बार डबल क्रोशिया हो गया।
दो की चैन, फिर यहाँ पे जो हमने चैन ली थी चैन के ऊपर से एक में से सात बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक बार डबल क्रोशिया, में से दो बार डबल क्रोशिया, फिर इसी में से तीन बार डबल क्रोशिया, चार बार डबल क्रोशिया, पांच बार डबल क्रोशिया, छः सात बार डबल क्रोशिया, दो की चैन, ठीक है। तो दो की चैन ली हमने, यहाँ पे जाके फिर सात बार डबल क्रोशिया, एक बार डबल क्रोशिया, फिर इसी में से दो बार डबल क्रोशिया, तीन बार डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया, छः डबल क्रोशिया, सात डबल क्रोशिया, दो पीछे लेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर इसमें से सात बार डबल क्रोशिया, एक, ये देखिए मैं ऐसे आ गई हूँ। अब यहाँ पे हमें एक में से सात बार डबल क्रोशिया करना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात बार डबल क्रोशिया, दो की चैन पहले कितने, फिर जो ये स्लिप स्टिच कर रहे थे यहाँ पे ऐसे कुंडा उठा के ऐसे इसको करके स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए मेरा ये राउंड कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम ऐसे कटिंग, ब्लू वाले को कटिंग कर लेंगे, इसको कटिंग करा ऐसे उठाएंगे, ब्लू वाले को नीचे लेंगे पहले कितने, ए वन टू थ्री, थ्री की चैन ली, ब्लू वाले को टाइट करेंगे। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में ऐसे करना है हमें, ऐसे करके इसके ऊपर देखिए एक बार डबल क्रोशिया, ठीक है, दो बार डबल क्रोशिया, तीन बार डबल क्रोशिया, ओके। ये हमने देखो इधर सात बार डबल क्रोशिया लिया था ना हमने, सात बार लेने के बाद जो यहाँ पे हमारे ये फोर्थ वाला है इसी के ऊपर हम तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक में से एक, फिर इसी में से जाएंगे दो डबल क्रोशिया, फिर इसी में से तीन बार डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया हो गया मेरा, ये देखिए, फिर यहाँ पे तीन के ऊपर तीन बार डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, तीन के ऊपर तीन बार डबल क्रोशिया हो गया। हुक लेंगे, अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये देखो जो हमने यहाँ पे ये वाला लिया था हमें, इसके ऊपर से ऐसे उठा के ऐसे उठाएंगे और इसको खींचेंगे ऐसे, ऐसे किया, फिर हमें दो का एक करना है, ठीक है, दो का एक हो गया, हमें ये नहीं हटाना, इस कुंडे के ऊपर, इस कुंडे के ऊपर ही लेना है दो का एक, फिर यहाँ पे जाएंगे ऐसे उठाएंगे, फिर ऐसे निकालेंगे, फिर इसमें दो का एक, तीन हो गए हमारे पास, फिर इसमें जाएंगे कुंडा उठाएंगे, फिर हमें ऐसे खींचेंगे, फिर दो का एक, एक दो तीन चार हो गए हमारे, यहाँ पे हमें ऐसे उठाएंगे, ये देखिए, और ऐसे करेंगे दो का एक, पांच हो गए, फिर लास्ट वाले में जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए, फिर ऐसे करके दो का एक, टोटल हमारे कितने आने चाहिए देखिए, क्यों छः हमारे थे नीचे, पाँच थे तो हमारे छः होंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच के ऊपर हमारे छः बार डबल क्रोशिया करा, ये देखिए। अब हमें इसे को टाइट कर लेंगे, अब इनको हमें क्या करना है, एक ही बार में, एक ही बार में ऐसे करके निकाल देंगे, ये देखिए निकाल दिए ध्यान से, फिर एक करके इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, फिर ऐसे कुंडा लेंगे, ये हमारे सात के ऊपर नौ बार डबल क्रोशिया करेंगे, कुंडा लिया, एक बार डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में एक बार डबल क्रोशिया, थर्ड वाले में भी एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, फोर्थ में से एक में से तीन बार डबल क्रोशिया, एक बार डबल क्रोशिया,
दो बार डबल क्रोशिया, तीन बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है, फिर तीन में तीन, एक एक बार डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, इसमें दो बार डबल क्रोशिया, इस वाले में तीन बार डबल क्रोशिया करके ऐसे करके लेंथ कंप्लीट होगी। फिर कोकून डालेंगे, इस वाले में हमें ऐसे उठा के पहले की तरह ऐसे उठाना है और ऐसे करके ऐसे लेना है, दो का एक। फिर इसमें जाएंगे, फिर ऐसे करेंगे ऐसे, दो का एक तीन। फिर इसको ऐसे उठाएंगे ऐसे, दो का एक चार। फिर इसको ऐसे उठाएंगे ऐसे करेंगे, दो का एक पाँच। फिर इसको ऐसे जाएंगे ऐसे उठाएंगे, दो का एक छः, दो का एक करेंगे। फिर देखिए ऐसे बन गया हमारे पहले की तरह। फिर इसको हम ऐसे करके स्लोली स्लोली ऐसे निकाल लेंगे और फिर एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे। जो डबल क्रोशिया लिया था वो कटाएंगे, पहले तीन बार डबल का सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया, तीन के ऊपर तीन बार डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, फिर चौथे के ऊपर एक में से तीन बार डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन बार डबल क्रोशिया, फिर एक में से तीन बार डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर यहाँ से कुंडा उठाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया, छः डबल क्रोशिया, सबको एक कर देंगे। फिर एक बार स्लिप स्टिच पहले की तरह, एक बार स्लिप स्टिच। ठीक है, फिर तीन के ऊपर ऐसे करें, वो कटाएंगे लास्ट में आके। ये देखिए अब हम लास्ट में आ गए हैं, डिजाइन भी आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। वो कटाया, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, एक के ऊपर तीन बार डबल क्रोशिया, एक में से एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया करके। फिर तीन के ऊपर तीन बार डबल क्रोशिया, एक में एक बार डबल क्रोशिया, सेकंड इसमें एक में से एक बार डबल क्रोशिया, इस वाले में एक में से एक बार डबल क्रोशिया करके इस लाइन को कंप्लीट करेंगे हम। ये देखिए अब हम लास्ट में आ गए हैं। पहले के तो हमें क्या करना है, ऐसे उठाना है, लुक लेना है, इसके ऐसे नीचे जाएंगे, एक एक डबल क्रोशिया, दो का एक, 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 लास्ट वाले में एक डबल, कैसे करके ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मेरा डिजाइन कुछ इस तरीके से आ गया है। ये मेरे 5 से 6 नंबर की कान्हा जी की ड्रेस है। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे 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 कृष्ण।